माँ की नींद से खुली आंखें तो सामने नशेड़ी बेटे की फांसी के फंदे पर झूल रही थी लाश। स्मैक का नशा करता था युवक। स्मैक पीकर लौटे युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर की खुदकुशी। स्मैक पीने को लेकर परिजनों से हुई थी कहासुनी। रोरावर थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में दोस्तों के साथ स्मैक का नशा करके देर रात अपने घर पहुंचे एक 16 वर्षीय नशेबाज युवक को उसके परिवार के लोगों द्वारा समझाना उस वक्त भारी पड़ गया जब स्मैक का नशा करने वाले नशेड़ी युवक ने नशे की हालत में घर के अंदर फांसी का फंदा बनाते हुए उस पर झूल कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि देर रात में जब उसकी अम्मी की नींद खुली तो स्मैक का नशा करके लौटे 16 वर्षीय बेटे की लाश घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूल रही थी। नशेड़ी बेटे की घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकी लाश देख मां की चीख निकल गई। परिजन गहरी नींद से जागे घटना स्थल पर पहुंचे। परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों के शोर शराबे और रोने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने युवक को नशे की हालत में फांसी लगाए जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि जनपद अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के शाहजमाल निवासी बाबू ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसका 16 वर्षीय भतीजा पिछले काफी दिनों से अपने दोस्तों के साथ स्मैक का नशा करता हुआ आ रहा था, जिसके चलते परिजनों ने कई बार उसे बुरी संगत छोड़ने के साथ ही स्मैक का नशा करने से मना किया। इसी कड़ी में 16 वर्षीय भतीजा वाहिद अपने दोस्तों के साथ स्मैक का नशा करके देर रात घर पहुंचा। नशा करने के बाद वाहिद को उसके परिजनों ने समझाया कि स्मैक की लत छोड़ दे। ये बात उसके भतीजे को नागवार गुजरी, जिसने रात में परिजनों की आंख से ओझल होते हुए घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। देर रात जब उसकी अम्मी की नींद खुली तो बेटे की लाश घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटक रही थी। बेटे की लाश फांसी के फंदे पर लटके हुए देखकर उसकी मां की चीख निकल गई। शोर की आवाज सुनकर गहरी नींद में सो रहे परिजन के मौके पर पहुंचे। जो बैठे हुए रात को डेढ़ बजे करीब नशा करके आया था और हमने समझाया से। समझाने के बाद में पता नहीं कब इन्हें ये कांड कर दिया। क्या फांसी लगा लिया? जी फांसी लगाई थी। घर पे ही? घर पे लगाई थी। आपको आपको कैसे पता लगा? इसकी अम्मी उठ के आई थी रात को, जब उन्होंने देखा लटका पड़ा था। किसी चीज को लेके परेशान वरेशान थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई परेशानी होती तो बताता घर में। नशे में बस फांसी लगा ली? नशे में। इसमें आपका नशा करता था और इसके साथ एक लड़का वो रहता था रेहन। कितनी उम्र है इनकी? ऐसे होगी 16-17। घटना किस वक्त की है? रात को 2 बजे। घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटक रहे युवक की लाश को देखकर परिवार के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और चीख पुकार मच गई। देर रात लोगों के शोर की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी नींद से जागकर घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक द्वारा नशे की हालत में फांसी लगाए जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से फांसी के फंदे पर लटक रही युवक की लाश को जमीन पर उतारा और पंचायतनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं घटनास्थल पर मौजूद पुलिस मृतक युवक के परिजनों से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता लगाने के साथ ही जांच में जुटी हुई है। युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट, अलीगढ़।